नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटर्न और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। देश के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने नए सदस्य देशों की सूची से अर्जेंटीना का नाम हटा दिया है। इसके लिए उन्होंने भारत सहित दूसरे ब्रिक्स लीडर्स को लेटर लिखा। मिलेई ने कहा, अर्जेंटीना के लिए फिलहाल ब्रिक्स का सदस्य बनना सही नहीं है, लेकिन हम ट्रेंड और इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ाने के लिए संगठन के साथ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल 1 जनवरी को 6 नए देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले हैं। इनमें मिस्र, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई और अर्जेंटीना का नाम शामिल किया गया था। राष्ट्रपति मिलेई ने कहा, पिछली सरकार ने जो फैसला किया था हमने उसे बदल दिया है। हमारी सरकार की विदेश नीति कई मामलों में पिछली सरकार से अलग है। दरअसल अर्जेंटीना में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे। इसमें दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलेई ने जीत हासिल की। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति और वामपंथी नेता और पूर्व वित्त मंत्री सर्जियो मासा को शिकस्त दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगी। भारत न्याय यात्रा करीब 55 दिन तक चलेगी। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक चलेगी। इस यात्रा में सभी इंडिया अलायंस पार्टियों के प्रमुख नेता अलग अलग राज्यों में शामिल होंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर इस बार भारत न्याय यात्रा रखा है। लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी एक बार फिर से 14 जनवरी से यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। इनमें यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। भारत न्याय यात्रा इस बार बस के माध्यम से की जाएगी। भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगी और महाराष्ट्र में यात्रा का समापन किया जाएगा। कांग्रेस न्याय यात्रा से करीब 6,200 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करेगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए किया जाएगा। जयपुर में आज से एक बार फिर से हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने जा रही है। इसके जरिए टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, जलमहल, हवा महल सहित चार दीवारी के प्रमुख बाजार और अरावली के जंगल को आसमान से निहार सकेंगे। जयपुर में हेलीकॉप्टर राइड के लिए प्रति मिनट 1,000 रुपए लगेंगे। वहीं सेकेंड फेज में जोधपुर, उदयपुर, नाथद्वारा में भी जॉय राइड की शुरुआत होगी, जबकि थर्ड फेज में टेम्पल राइड शुरू करना प्रस्तावित है। बता दें, इससे पहले हेलीकॉप्टर राइड जयपुर में 19 मार्च से 2 अप्रैल तक चलाई गई थी। वहीं जैसलमेर में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक संचालन किया गया था। एवन हेलीकॉप्टर के डायरेक्टर सोहन सिंह नाथावत ने बताया, नए साल के मौके पर राजधानी जयपुर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की गई है। शुरुआती फेज में जॉय राइड आज से शुरू होकर 7 जनवरी तक 9 दिन कराई जाएगी, जिसके तहत दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर में बैठकर जयपुर के खूबसूरत नजारे को निहार सकेंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी को आज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने शनिवार को कहा, भाजपा राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ऐसा ना हो कि भाजपा अगले चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। राउत ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के सवाल पर कहा, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जरूर जाएंगे, लेकिन भाजपा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद किसी को भाजपा के कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए? ये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उनका ये पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में एयरपोर्ट और स्टेशन समेत 15,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन पर 2 नई अमृत भारत ट्रेनों और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद
अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अयोध्या में रोड शो के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की वर्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर दिया। लोगों में पीएम मोदी की झलक पाने का उत्साह रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने नई अमृत भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों से मुलाकात की। इसके अलावा सीतामढ़ी से आई महिलाओं, रक्सौल से आए श्रद्धालु से मिले, उनसे भी संवाद किया। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।